2014 के पहले तो बहुत ही खराब स्थिति थी। पहले तो कनेक्शन नहीं मिलते थे, एक कनेक्शन को लेने में 25-30 हजार रुपया लगता था, तब भी कनेक्शन नहीं मिल पाता था, और 25-30 हजार रुपए खर्च करके भी अगर किसी को बिटिया की शादी करनी है, कहीं से मिल गया कनेक्शन, तो सिलेंडर भी बड़ा ही धोखेबाज निकलता था। ठीक त्योहार के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन वो सिलेंडर रसोई गैस समाप्त, परिवार के सामने मेहमान आया हुआ है, गैस समाप्त, अब कहां से लेके आए? ये परेशानी अलग थी। और उसमें महिला तो बेचारी अपने घर की रसोई बनाती, बनाने के लिए तैयार बैठी रहती थी, अब रसोई गैस के लिए जाए तो पुरुषों की अलग से दुर्गति होती थी, कहीं पुलिस की लाठी चटकती थी, और अगर वह खाली सिलेंडर लेके आया तो घर में बेलना भी तैयार रहता था, तो ये पुरुष भी परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने दोनों की समस्या का समाधान कर दिया कि आज देखे रसोई गैस के लिए कोई लाइन नहीं लगाता, रसोई गैस के लिए लाइन भी नहीं लगाता है, और कनेक्शन भी अगर किसी को गरीब है तो उसको फ्री में, और जिसके पास पैसा है तो वह जाकर के अपना कहीं से भी खरीद सकता है, उसकी एक व्यवस्था बना दी गई, और सब्सिडी का लाभ, इसमें चोरी ना हो, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, सब्सिडी का लाभ आपके खाते में सीधे सीधे आ जा रहा है, यानी इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है। और यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई एक सौगात है, आंखों को भी ठीक करने के लिए और फेफड़ों को भी स्वस्थ रखने के लिए, यानी अगर व्यक्ति की आंखें काम नहीं करेंगी तो दुनिया की सुंदरता उसके लिए किसी लायक नहीं, व्यक्ति के अगर फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दुनिया बेकार है, वो चल नहीं सकता, श्वास नहीं ले सकता, श्वास फूलती है। लेकिन इन दोनों से बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को जीने की एक नई राह दिखाई।